हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद हमेशा से ही सुर्खियों का विषय रही है। गदर 2 आने के पहले मच गया गदर, गदर 2 रिलीज होने के पहले हो गया गदर। हिंदुस्तान से तारा सिंह तो पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान से तारी बेगम जरूर हिंदुस्तान आ गई। तारी बेगम से हमारा मतलब वायरल हो रखी सीमा हैदर से है। वही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों के साथ सारी सीमाएं लांघते हुए अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हो गई और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रह रही है। सीमा हैदर के पति सचिन मीणा और उसके परिवार वालों ने सीमा को अपना लिया है, यहाँ तक कि सीमा के साथ साथ उसके 4 बच्चों को भी अपना लिया है, जिन्हें वे पाकिस्तान के रास्ते भगा कर लेकर आई है। आपको बता दें, सीमा हैदर और सचिन मीणा हिंदुस्तान पाकिस्तान में अपने अपने घर में बैठ के पबजी खेला करते थे। ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए दोनों को प्यार हो गया और सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई और हिंदुस्तान में ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रहने लगी। सबसे आश्चर्यजनक करने वाली बात यह है कि वह सीधे रास्ते भारत में नहीं घुसी है, वह चोरी छुपे भारत में आई है। आपको बता दें, सीमा हैदर पहले तो पाकिस्तान से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल आई और फिर नेपाल से पीछे के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई और सचिन मीणा के घर आ गई। सचिन मीणा के साथ उनके 4 बच्चे भी में रह रहे हैं और सचिन मीणा और उसके परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि सीमा हैदर के पति जो कि पाकिस्तान के कराची में रहते हैं, जिनका नाम गुलाम हैदर है, उन्होंने हाथ जोड़कर एक वीडियो जारी किया है। वह उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी मोदी सरकार से ये गुजारिश है कि वो उनकी बीवी और उनके बच्चों को लौटा दें और उन्हें पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दें। लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि मैं अपने प्रेमी अपने प्यार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ तक के अब सीमा हैदर ने हिंदुत्व अपना लिया है और हिंदू रीति रिवाजों को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने अपने गले में राधे राधे का गमछा डाल के तुलसी की पूजा करना चालू कर दिया है। वे तुलसी को जल दे रही हैं, वे पूजा कर रही हैं, यहाँ तक के वे मीडिया को इंटरव्यू भी दे रही हैं। सीमा हैदर का कहना है अब वह हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, चाहे जो करना है कर लो, चाहे जेल में डाल दो, चाहे जो भी पूछना है पूछ लो, लेकिन मैं हिंदुस्तान छोड़ के और सचिन मीणा को छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊँगी। इस मुद्दे पर भारत की सोशल मीडिया 2 भागों में बट गई है। एक भाग का कहना है कि अब क्यों ना कितने हैंडपंप उखाड़ना पड़े, लेकिन भाभी को जाने नहीं देना है। वहीं दूसरे हिस्से का कहना है कि यह हनी ट्रैप का मामला भी हो सकता है। हो सकता है सीमा हैदर ने सचिन मीणा को ऑनलाइन प्रेम जाल में फंसाया हो और वह भारत आकर रहने लगे। आखिर हमने एक फिल्म देखी थी आलिया भट्ट की, जिसमें आलिया भट्ट रॉकी एजेंट होती है और वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी आर्मी के एक अधिकारी से शादी कर लेती है और खुफिया जानकारियां भारत भेजती है। तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से कोई महिला भारत में आके रहने लगे, भारतीय हिंदू मर्द से शादी कर ले और फिर अपने काम को अंजाम दे। ऐसी आकलन की जा रही है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके पीछे ठोस कारण भी है। सीमा हैदर के बारे में कहा जा रहा है कि वह 4 बच्चों की माँ है, 27 साल की है, केवल 5वीं पास है, उसके बावजूद वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है, कंप्यूटर का उसे अच्छा खासा ज्ञान है, उसके पास 5-5 पासपोर्ट हैं, 3-3 मोबाइल रखे हुए हैं, सिम कार्ड है, यहाँ तक कि उनका सगा भाई पाकिस्तानी सेना में है और वह पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है और फिर नेपाल के रास्ते चुपके से भारत में दाखिल हो जाती है। वह तुरंत साड़ी पहनने लगती है, नमस्ते करने लगती है, अभिवादन करने लगती है, सादगी दिखाने लगती है, भारतीय परिवेश में ढल जाती है, फराटेदार हिंदी और अंग्रेजी बोलने लगती है और उर्दू का तो एक शब्द नहीं बोलती, जबकि वह सिंध प्रांत की रहने वाली है और शादी के बाद कराची में रह रही थी, उनके 4-4 बच्चे हुए, लेकिन उनके मुख से एक भी उर्दू का वर्ड नहीं निकल रहा। हिंदी और अंग्रेजी तो ऐसे बोल रही हैं कि मानो वे पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ हाई लेवल की ग्रेजुएट हों, लेकिन वैसे 5वीं पास है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना ट्रेनिंग दिए कोई 5वीं पास महिला, कराची में रहने वाली महिला, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इतना टैलेंट दिखाए, 5-5 पासपोर्ट रखे, 3-3, 4-4 मोबाइल रखे और पाकिस्तान से दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हो जाए और BBC से लेकर के हर छोटे बड़े मीडिया चैनल को वो इस तरीके से इंटरव्यू दे कि मानो इंटरव्यू देने में उनकी महारत हासिल हो, ठीक माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ और शिल्पा शेट्टी की तरह। हो सकता है कि इन्हें ट्रेनिंग मिली हो, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के ऐसा करना तो असंभव है। इसीलिए ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये जो है कुछ झाल हो, इसमें कुछ झोल हो और हो सकता है कि ये हनी ट्रैप का मामला हो। आगे देखना ये होगा कि क्या होता है, अभी तो कुछ कहना इम्पॉसिबल है। बने रहिए एक नंबर न्यूज़ के साथ।